देश के अन्नदाताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच हो शुरू हो गया है, जहां किसानों के डर से मोदी सरकार भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। किसानों को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। तो क्या लिखा है खड़गे ने, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पीएम आवास घेरने का आह्वान किया है। किसानों के मोर्चे से मोदी सरकार भी घबरा गई है और हर तरह से उन्हें रोकने की कोशिश में जुट गई है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, किलों से बैरिकेडिंग की गई है, इंटरनेट सर्विस भी ठप कर दी गई है। गांव गांव जाकर पुलिस किसानों को प्रदर्शन में न शामिल होने की धमकी तक दे रही है। किसानों के इस दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद किसान अपनी मांग को लेकर अडिग है और विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के समर्थन में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपनी सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूकें, सबका है इंतजाम। तानाशाही मोदी सरकार में किसानों की आवाज पर जो लगानी है लगाओ, याद है ना, आंदोलन जीवी व परजीवी कहकर किया था बदनाम और 750 किसानों की ली थी जान। 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़े हैं। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक इनपुट कॉस्ट और 50% MSP लागू करना, MSP को कानूनी दर्जा। अब समय आ गया है कि 62 करोड़ किसानों की आवाज उठाने का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज कांग्रेस पार्टी किसान न्याय की आवाज उठाएगी। हमारा किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है, न डरेंगे न झुकेंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।